हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु एंड वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो भाई आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला। तो आप सब जानते हो भाई हमने GTA 5 में कई सारी कार्स खरीदे, कई सारी बाइक्स खरीदे, बट भाई आज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भाई जू विजिट करने। क्योंकि हमारे लॉस सैंटोस से भाई हमारा एक न्यू जू खुला जिसे हम देखने जाने वाले हैं, यानी कि फ्रैंकलिन। यार मजे मजे आज, एंड हमें भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम भी भाई इसके साथ जू विजिट करेंगे। यानी कि भाई आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कई सारे प्रकार के हम सब जंगली जानवर देखेंगे, कई सारे प्रकार के भाई पक्षी देखेंगे। एंड भाई आप सब यही सोच रहे होंगे मैं तो भाई इस कार को बाहर निकाल दिया, तब गैराज के अंदर क्या है। तो आप में से काफी सारे लोगों ने गैस कर भी लिया होगा हमारे गैराज के अंदर कोई और नहीं भाई, हमारे गैराज के अंदर है कावासाकी निंजा S2 जो कि आप सब देख ही सकते हो। एंड भाई इस बाइक को हम लेकर जाने वाले अपने जू विजिट करने। एंड भाई मजा तो काफी ज्यादा आने वाला है, इसलिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी भाई इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो भाई अपनी बाइक को जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। एंड भाई हमने अपने जू को मार्क कर लिया। एंड भाई हमारा कहीं आज स्टॉपेज नहीं होने वाला, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई आज काम तो फ्रैंकलिन को काफी ज्यादा थे, बट मैंने सोचा भाई आज अपना मूड बनाया भाई घूमने का, इसलिए भाई क्या आज काम वगैरह सब साइड में रखते हैं, आज चलते भाई आराम से जू विजिट करते बिना टेंशन के। भाई मतलब कमा के यार मौज नहीं किया तो क्या किया, इसलिए भाई आज अपनी कमाई कहीं और लगाने वाले, ना कि कोई बाइक्स या फिर कार्स में। एंड भाई आज चलकर यार मतलब विजिट करने वाले अपना जू, एंड चलकर देखेंगे भाई कौन कौन से आखिरकार हमें जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड मैं तो भाई पर्सनली भी इस चीज़ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। वैसे आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आप भी भाई जंगली जानवर ये सब में इंटरेस्टेड हो ज्यादा या फिर नहीं। एंड भाई मैं सोच रहा हूँ कि अपने इस कावासाकी निंजा को मैं थोड़ा अपना क्या बोल सकते हो भाई मॉडिफाई कराऊँ ताकि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। वैसे स्पीड भाई से काफी ज्यादा है, बट भाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तब तो यार मजा ही आ जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ एक्सीडेंट हो गया अपना, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हम तो भाई अपना सीधा चलते चलेंगे। यही फायदा होता है भाई बाइक का, अगर हम कार लेके आते भाई तो हमें वहाँ रुकना ही पड़ता, किसी भी कीमत पर रुकना पड़ता, बट भाई बाइक है तो साइड से तुम निकाल दो कहीं से भी, इसलिए भाई यही फायदा होता अपने बाइक का। बट भाई फ्रैंकलिन के लिए हम कार भी जल्दी खरीदने वाले हैं, जो कि आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना ही बताना, क्योंकि भाई कार मैं काफी जल्द खरीदने वाला हूँ भाई। मतलब 3 दिन से लगातार मैं बाइक चला रहा हूँ, इससे थोड़ा बोर भी हो चुका हूँ, बट कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है भाई, कार वगैरह तो हम चलाते रहते हैं एंड कार अच्छी इसको खरीदेंगे। आप सबके कॉमेंट्स पढ़ा मैंने, कॉमेंट में भाई आप सब मैक्सिमम लैम्बोर्गिनी बोल रहे थे, तो देखता हूँ भाई लैम्बोर्गिनी लूँ, या फिर अगर आप सब कोई और कॉमेंट करते हो तो भाई वो भी मैं ले सकता हूँ। एंड इंडियन कार तो भाई मैंने काफी ज्यादा लिया, एंड अपने लिए भाई इस बार इंडियन कार नहीं लेता हूँ। इंडियन कार की भाई मैं शोरूम खोलने की सोच रहा हूँ, मैं वो खोलूँ या फिर नहीं तो वो भी जरूर से बता देना अपना। भाई लॉस सैंटोस में ट्रक बिजनेस तो काफी सही चल रहा है, एंड ट्रक बिजनेस से भाई अपने फ्रैंकलिन को फायदा भी काफी ज्यादा हो रहा है। एंड अभी तो हम चलने वाले भाई अपने जू जो कि जैसा कि मैंने आप सबको बोला, एंड भाई वहाँ चलकर करेंगे मजे। एंड भाई आज मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ भाई मुझे जू विजिट करना, ना तो किसी का किसी से पेमेंट लेना है, ना तो किसी को पेमेंट देना है, बस भाई मुझे चलकर अपने जू को विजिट करना, जो कि काफी सही थिंग है। एंड काफी भाई रिलैक्स होकर हम जा रहे हैं अपने जू विजिट करने, और भाई काफी ट्रैवल करने के बाद अब बस हम आ चुके हैं भाई अपने जू पर, जो कि भाई इधर ही किधर है अपना जू, तो देखना पड़ेगा भाई मुझे। तो रास्ता तो भाई इधर से ही लग रहा है, तो शायद भाई इधर से हो सकता है या फिर इधर से नहीं भी हो सकता है, तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं। एंड आई थिंक भाई इधर से ही अपना रास्ता, तो यहाँ पर भाई मुझे जू वाली थोड़ी फीलिंग तो आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे कई सारे भाई घास वगैरह दिख रहे हैं, तो इससे भाई जू का पता चलता है। तो भाई यहाँ अंदर ले लेते हैं हम, चलो तो भाई अंदर ही आई थिंक। एंड भाई यस यही है भाई, यही अपना जू, यहाँ देख सकते हो भाई पोस्टर लगा हुआ, यानी कि भाई हम यहाँ पर थोड़ा अपना रूल का पालन करते हैं एंड अपनी बाइक को भाई खड़ी कर देते हैं यहाँ पर, एंड इसे कर देते हैं लॉक। वैसे भाई यहाँ बाइक चोरी करने वाले तो कम ही होंगे, बट भाई देख सकते हो भाई यहाँ से अपना शुरू होता है जू, एंड यहाँ पर भाई खाने पीने का सामान सब है। एंड चलते हैं अंदर, उसके बाद देखते हैं भाई क्या कुछ है। ओके इसके अंदर से हम चल कर जा रहे हैं, तो देखो भाई अंदर से बोलता हूँ मैं, ऊपर से चल कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या कुछ है। तो यहाँ पर आराम से भाई सीढ़ी है, रोड भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो चलो भाई यहाँ सही है, यहाँ पर अपनी सीढ़ी है, तो यहाँ तो उतरने का जगह बना हुआ है। चलो सही, मुझे लगा भाई डायरेक्ट जंप मारना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखो भाई खाने पीने का सामान है, एंड आप सब देख सकते हो भाई यहाँ पर हम आराम से खा भी पी सकते हैं, लेकिन अभी हमको कुछ लेना नहीं है। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग भी बैठे हुए हैं, एंड भाई काफ़ी सही जगह बैठने के लिए, और देख सकते हो भाई यहाँ प्राइस भी लिखी हुई है, हॉट डॉग $5, और भाई काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलो अभी कुछ खाना पीना नहीं है, हम तो यहाँ जू विजिट करने आए, एंड यहाँ पर शायद से भाई अपना ये सिक्योरिटी गार्ड है, तो चलो इसे रहने देते हैं। एंड अंदर भाई अपना अब एंट्री होने वाले हैं जू में, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप सब हो या फिर नहीं वो जरूर से कॉमेंट करके बताना। तो यहाँ पर भाई अपनी एक गाड़ी रखी हुई है, तो इस गाड़ी को हम लेकर जा सकते हैं क्या? छोड़ो भाई क्यों रूल तोड़ना है, यहाँ का हम जू में आए तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई अपना गेट है, तो चलो आराम आराम से चलते हैं। तो यहाँ पर भाई एक कुछ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर कुछ है या फिर यहाँ पर ऐसे सिर्फ बना हुआ है, तो देख लेते एक बार भाई क्या जाता है हमारा। तो चलो चलो नहीं यहाँ हम नहीं जा सकते भाई, मतलब ऐसे ही है भाई, ये कुछ नहीं है, तो चलो अंदर। और तो चलो भाई एंट्री यहाँ से लिखा हुआ है, तो चलो भाई डू नॉट एंटर। वाह भाई मतलब जू बना कर रखे और बोल रहे एंटर मत करो, मतलब ये क्या सीन हुई भाई। एंड यहाँ तो लोग बैठे हुए भाई, मतलब बोल रहे यहाँ लोग एंटर मत करो। मैं तो सोचा भाई अपना फ्रैंकलिन ही सिर्फ बहादुर है, बट देखो हम आ चुके हैं भाई,
यहाँ पर मुझे कुछ पक्षी वगैरह दिख रहे हैं, आप मुझे एग्जैक्ट तो नाम नहीं पता, तो नीचे देख सकते हो भाई, अगर आप सबको दिख रहा हो मुझे नहीं पता, तो एक नीचे है हमारा। एंड भाई इस इतने बड़े पिंजरे में सिर्फ एक पक्षी, ये क्या सीन है भाई? मतलब यहाँ भी है भाई एक अपना, यहाँ भी है, एंड दो तो दिखे भाई मुझे, एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है भाई धूप की, इसलिए मुझे उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, थोड़ी सी लाइट सही होने देता हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाता हूँ। हाँ तो चलो भाई, ज़्यादा सही नहीं हुआ, थोड़ी बहुत सही हुई तो इतना ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अब शायद भाई थोड़ा बहुत दिख रहा होगा एक तो यहाँ। चलो भाई आगे भी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मतलब पशु पक्षी की जगह है ना, नहीं पक्षी की जगह, पशु पक्षी नहीं भाई, यहाँ पक्षी की जगह, तो आगे चलते हैं। एंड आगे चलकर देखते हैं भाई क्या कुछ है, एंड इधर तो अपना ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड आगे चलकर देखते हैं भाई क्या है अपना सीन। एंड अपना फ्रैंकलिन तो भाई मज़े से घूम रहा है, यहाँ देख सकते हो भाई पूरा गार्डन है, मतलब आराम से हम घूम सकते हैं। तो चलो भाई आगे चलते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पर भाई हो सकता है हमें कुछ ज़्यादा जानवर वगैरह देखने को मिले। तो यहाँ पर, यहाँ पर भाई अपना बंदर, वाह भाई मंकी है, देखो आजा भाई, आजा आजा भाई, नहीं आएगा, आजा भाई नहीं आएगा भाई, अरे भाई आजा नहीं आएगा। चलो भाई और चलते आगे, और क्या है भाई, और देखते। ओ भाई इधर अपना क्या है, चिंपांजी है क्या भाई? यस भाई ये रहा भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है देखने में, एंड क्या ही बोलो भाई, मस्त लग रहा है अपना देखने में। एंड पीछे एक और बंदर है भाई अपना, मतलब क्या ही बोलो भाई, ज़बरदस्त है। और चलते भाई उधर अपना शेर है, देखो भाई शेर है वहाँ, यहाँ पर कितने सारे शेर है भाई, यही तो देखने आया था मैं, टाइगर। तो देखो भाई ये अपना टाइगर, भाई मुझे काटना मत, इसके अंदर जा सकते हैं क्या? ना 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 भाई, मतलब खा जाएंगे सारे मिलके, नहीं जा सकते भाई, इसके अंदर चल गए तो भाई दिक्कत ही हो जाएगा फिर। देख सकते हो भाई कितने सारे, मतलब सारे इंजॉय कर रहे देखकर, एंड हमें भी भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक दो तीन है भाई, मतलब यहाँ शेर है, वहाँ पर भाई सबसे मस्त भाई अपना चिंपांजी है, डांस कर रहा है, मतलब भाई अपना चिंपांजी भाई पूरे मज़े में है। तो चलो भाई चलते हैं बाहर, बाहर बोलता हूँ भाई, अभी तो और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। ये देख सकते हो भाई अपना टाइगर दौड़ता भी है, तो भाई डर लग जाता है कहीं मेरे तरफ ना आ जाए। तो चलो भाई और देखते, इधर से अपना रास्ता है, तो चलो भाई यहाँ पर भी लोग कुछ देख रहे हैं। तो भाई अपना रास्ता ना मस्त है भाई, दिल खुश हो गया देख कर रास्ता। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अपना भाई क्या है, सुअर है, अच्छा जंगली सुअर है भाई। तो देख सकते हो भाई क्या ज़बरदस्त क्या है भाई, चलो सही है अपना बाहर चलते हैं। एंड यहाँ पर लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं ही भाई अकेले आया, मतलब लोग मतलब अपने फैमिली को लेकर आ रहे हैं, मेरा फैमिली नहीं है भाई कोई, अपना बस एक दोस्त है माइकल, उसे लेकर आना था, बट कोई हमने गलती कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड चलते हैं भाई, और कहाँ है भाई ये क्या है भाई, हिरन भाई, अच्छा ये तो भाई कुछ करते नहीं, ये फैमिली फ्रेंडली हिरन है तो ये कुछ करते नहीं भाई, तो ये पोसे हुए इसलिए कुछ ज़्यादा करते नहीं भाई। शेर को खुले छोड़ दिए ना तब भाई दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर भी है। चलो भाई इनसे मिलते हैं हम, क्या ये जवाब देते भाई, मारना मत बस। चलो भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ओ भाई चल गए, डर गए भाई फ्रैंकलिन से। और भाई यहाँ से अपना फिर एक एंट्री शुरू होता है, तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर भाई खरगोश है अपने, इसके अंदर तो हम जा सकते भाई, अरे वाह भाई, लेकिन कुछ बोलने लगे भाई, मैं रूल तोड़ना नहीं चाहता, मैं बाहर निकलना नहीं चाहता रूल तोड़कर, लेकिन भाई देखो क्या ज़बरदस्त लग रहे देखने में, इसलिए चलो भाई बाहर निकलते हैं, नज़दीक से आपको दिखाना था इसलिए मैं गया। यहाँ पर भी भाई अपने खरगोश है, तो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहे सारे देखने में। तो चलो भाई आगे चलते और देखते क्या कुछ है, यहाँ पर भी भाई लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करें। एंड भाई अपना मिनी जू है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब क्या ही बोलो भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई ये है अपना काव है भाई, मतलब गाय हमारी माता है। चलो अंदर चलते हैं भाई, इसके अंदर तो जा ही सकते हैं हम, बट भाई मैं जैसा कि बोला मैं रूल तोड़ना नहीं चाहता, तो देख सकते हो भाई आराम से घास खा रहे, इसलिए मैं डिस्टर्ब तो नहीं करता इन्हें, बस कोई भाई मारना मत। एंड ये मेरे तरफ आ रहे दौड़ के क्या, नहीं 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 मत मारना भाई, निकल रहे आराम से, चलो निकल जाते भाई, इन लोग की घर है तो क्यों भी गाड़ रहे इसे हम। तो देख सकते हो भाई ऐसा ही कुछ है अपना जू, मिनी जू, एंड काफ़ी सही बना कर रखा है यार लॉस सैंटोस में। एंड इधर है अपना भाई सुअर, तो चलो आगे चलते हैं भाई। एंड भाई यहाँ पर बच्चों लोग को खेलने की जगह है, तो कह सकते हैं भाई काफ़ी सही बनाया है जिन्होंने बनाया अपना मिनी जू लॉस सैंटोस में। एंड अगर इससे बड़ा जू बनता है तब तो भाई और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ये तो भाई खेलने के लिए आराम से भाई हम बॉल वगैरह खेल सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं भाई, इसके ऊपर चढ़ के हम सिर्फ कूद सकते हैं। तो चलो भाई कूदते हैं यहाँ से, एंड क्या गिरना मत बस भाई, और चलो बहुत अच्छे भाई। एंड चलो भाई अपना मिनी जू तो हुआ ख़त्म, एंड यही था भाई अपना जू, एंड मिनी जू भाई काफ़ी सही था, यानी कि भाई मज़ा आ गया देखकर, कई सारे हमने जानवर देखे, सबसे मस्त तो भाई अपना चिंपांजी मुझे लगा, जो कि भाई अपना डांस कर रहा था। एंड चलो भाई निकलते बाहर, उसके बाद क्या ये सब देख सकते हो भाई, यहाँ आदमी कहाँ चल गया भाई छोड़कर, मतलब भाई तेरे धंधा बंद हो जाएगी यार। चलो चलो निकलते बाहर, अपना भाई बाइक हम इधर रखे थे। एंड गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये वीडियो हम सिर्फ इंजॉय कर रहे थे, मतलब यहाँ पर हम बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे थे, यहाँ पर ना तो भाई हम कोई कार खरीद रहे थे, ना कोई बाइक खरीद रहे थे, ना कोई पेमेंट लेने गए थे किसी से, यहाँ पर भाई बस हम कर रहे थे इंजॉय। तो यहाँ पर रहा भाई अपना बाइक बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, एंड चलो भाई सही सलामत से निकालते हैं रोड पर। तो चलो भाई अपना मतलब बैठते हैं ना भाई अपनी कावासाकी निंजा में, तो भाई मज़ा ही आ जाता है, तो चलो निकालते हैं बाहर।
तो चलो भाई, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपके मन में गाइस कोई और सजेशन है, यानी कि आप मुझे कोई और जगह विजिट करते हुए देखना चाहते हो GTA 5 में, तो जरूर से कमेंट करके बताना। मैं उस जगह को जरूर से विजिट करना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा भाई मंथली मैं एक ना एक जगह चलकर जरूर से विजिट करूं। आज मैंने जू किया विजिट, तो भाई काफी ज्यादा रिलीफ आया, मजा आया, बिल्कुल टेंशन की काम नहीं थी, आराम से अगर हमने एंजॉय किया। एंड सबसे मस्त मुझे चांपांजी लगा, क्योंकि मैंने आप सबको दिखाया अगर मैं गलत ना हूँ तो। चलो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना। तो गाइज मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।